नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त जनपद सीतापुर के सरायन नदी के हुसैनपुर घाट पे हैं। यहाँ से ये तहसील पड़ती है मिश्रिक, मछरेटा थाना पड़ता है, और यहाँ से यदि किसी को जिला मुख्यालय जाना हो तो उसे महज 15 किलोमीटर की दूरी पर मात्र सीतापुर है। लेकिन वही सदस्य यदि इधर से घूम कर जाना चाहे तो उसे 35 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। आप देख रहे हैं, आज के समय में कोई भी आदमी नाव जो चलता रहता था वो प्रक्रिया बंद हो गई है। तो ग्रामीणों ने अपने आप से, आप देख सकते हैं, लकड़ी का जो है जुगाड़ बना करके इससे लोग निकलते हैं, मोटरसाइकिलें निकलती हैं। अब ये पता नहीं किस दिन कौन सा बड़ा हादसा हो जाए। इस वक्त दादा एक साइकिल से निकल रहे थे, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। क्षेत्रीय हैं यहाँ के, क्या कुछ बताते हैं दादा? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आपका कौन सा गांव है, कहाँ रहते हैं? हमारा रामचंद्र नाम। हाँ, यादव। हाँ, कहाँ रहते हो? ग्राम गुरैनी, डाकखाना का रिसेंपुर, और ब्लाक में सहता, थाना में सहता, तहसील में। तो दादा आप अभी इधर कहाँ जा रहे हो? जा रहे हैं मान। अच्छा, तो ये बताइए दादा, ये जो लकड़ी का पुल बना है इसमें निकलने की, इसके लिए कोई आपने मतलब इसका पुल बनाया जाए इसके लिए कोई मांग की ऐसा कुछ? अरे मांग बहुत जोर भैया। हाँ। मजबूरी करे वाले नहीं है, जो हुआ जाओ तो डंडा खाओ। अच्छा, साइकिल जाते थी। अच्छा। पुल हो चले जाओ। अच्छा, और रास्ता बहुत महाकमा, रास्ते पर 10,000 आदमी निकल रही है। इस रास्ते पर 10,000 आदमी निकल। हाँ, 10,000। 10,000 आदमी निकलता है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई इस बात का संज्ञान नहीं लिया गया। कोई सुनवाई नहीं की। कोई चुनाव के टाइम जो है ये मुद्दा उठता है, फिर समाप्त हो जाता है। फिर कहा जाकर पुल बने, नापा जा जाकर थे। अच्छा, जब चुनाव आता है तब नापा जाने लगता है। पहले नापा जाए और पाछे काम बन। तो कहाँ जा रहे हैं? अच्छा, तो इधर से आप इस पुल पे बाइक निकालते हैं, कोई दिक्कत होती है आपको? बहुत सी दिक्कत होती है। ये पुल बनाया जाए इसके लिए आप लोगों के द्वारा कोई मांग की गई सरकार से? ऐसा मांग तो हर बार की है। कोई सुनवाई नहीं होती। क्या नाम है आपका? शुभ नाम है रामेश्वर यादव। कहाँ के रहने वाले? गोपालपुर। तो दोस्तों, जो इस पुल के निर्माता हमारे बीच में हैं, इनके द्वारा और अन्य ग्रामीणों के सहयोग से इस पुल का निर्माण किया गया है, जिसे आप देख सकते हैं लकड़ी का पुल है, जिसे बहुत ही जुगाड़ से बनाया गया है। और आप अभी देखे हैं इतने समय में कितनी मोटरसाइकिलें इस पर क्रॉस करके गई हैं। जैसा कि यहाँ के क्षेत्रीय लोगों का कहना भी है, इस पुल से कोई भी आदमी निकल करके जाता है तो उसे जिला मुख्यालय मात्र 15 किलोमीटर ही सफर करना पड़ता है। और यदि वही व्यक्ति उधर से घूम कर जाता है दूसरी तरफ से, यदि इस पुल के सहारे से न निकले तो उसे 35 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है 20 किलोमीटर का सफर एक्स्ट्रा तय करना पड़ता है, और इन्होंने पुल बनाया है। तो दादा आप क्या बताएंगे इसके बारे में? अभी ये हम बता रहे हैं ना भैया, तो शायद ना वही दे दे चौमासे पर। कौन दे दे? सरकार। सरकार दे और क्या करा। अच्छा, 1,00,000 रुपया लागत कहाँ ना रहा। अच्छा, तो दादा ये बताइए कि ये जो आपने बांस और बल्ली इस तरीके से जुगाड़ करके बनाया था तो कैसे बनाया? मांग बनाए हैं सबसे। मांग तो अन्य लोगों ने भी सहयोग किया? बिल्कुल किया। कौन कौन लोग सहयोग? अरे बहुत पार कर, जितना उतर जाते तो उन्हें बांस दे दीजिए। अच्छा, तो लेकिन इसको गाड़ा और कितने दिन में बन के तैयार हुआ? 15 दिन लागत जब पहुँचा जा। अच्छा, तो ये मतलब हर बार इसको रिपेयर मतलब हर बार करना पड़ता है भैया? जय जय बार आई तय जाए। अच्छा, बरसात में कई बार करना पड़ता है तो भैया बता रहे हैं बरसात में कितनी बार करना पड़ता है? दो तीन बार सही करना पड़ता है। घाट। अच्छा, घाट बंद हो जाता है, फिर कैसे निकलते हैं? जलालपुर रहना। ये जो है इतनी देर में आप देख रहे हैं कि काफी इस पे सफर करना पड़ रहा है। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? ये हुसैनपुर। इसके लिए हम लोग गिर जाते हैं। हम लोग जब निकलते हैं तो कभी कभी नदी में गिर जाते हैं मोटरसाइकिल से ही। अच्छा, और जब बाढ़ होती है तो वो जो रहीमाबाद का पुल है तो कम से कम 8 किलोमीटर हम लोगों को ज्यादा चल करके तब पहुंचना पड़ता है सीतापुर। और रोज का काम है जाना सीतापुर में। अच्छा, रोजी के लिए। अच्छा, ये बताइए कि इसके लिए आप लोगों के द्वारा कोई मांग की गई है? मांग तो नहीं की गई है। रामकृष्ण माननीय विधायक जब हुए थे तब उन्होंने कहा था, हम लोग गए थे, कहा कि पहला काम
हम ये पुल बनवाएंगे। अब 5 साल हो गए हैं, दोबारा चुनाव होने वाला आने वाला है, लेकिन कभी न नाम लिया और न कभी सोच लिया। अगर यहाँ ढुलने डलवा देती बड़े बड़े तो उससे हम लोग निकलते तो बड़ी आराम हो जाती। खुद अगर पक्का न बनवा पाते तो वो भी नहीं किया। अभी फिर वोट मांगने आ जाएंगे। अच्छा अच्छा। हाँ, और इधर न जाने कितनी जनता निकलती है। अगर कहीं आप बैठ करके वो लिखा पढ़ी कहीं जाए तो कम से कम 1500, 2000, 3000 आदमी रोजाना निकलता है डेली। मतलब हम जो काजियाबाद से ज्यादा ही निकलता होगा। बहुत परेशानी। क्या नाम है आपका? हमारा जगमोहन चौधरी। आप बनी बाजार से अभी आप इस पुल पर क्रॉस हुए हैं, आपको कैसे मतलब ये पुल से कैसे निकलते हैं? अरे बहुत दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। वीडियो बना लो उनको। निकल जाओ।